हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन का चैप्टर करने जा रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें हम पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग करेंगे। तो मीनिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक ऑर्डर, एक राइटिंग में जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। तो जिस पर्सन के ऊपर इसको ड्रॉ किया जाता है उसको वो पैसे पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम ने शाम को जो है गुड्स की सेल की है और वो जो पैसे है वो 3 मंथ्स के बाद देगा, तो उसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया जाएगा। तो राम ने सेल की है तो राम ड्रॉअर बन जाएगा, उसने वो ड्रॉ करना है बिल को, और शाम जो है वो पैसे पे करेगा आफ्टर 3 मंथ्स। तो ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? जो पैसे हम फ्यूचर में पे करते हैं उसके रिगार्डिंग एक इंस्ट्रूमेंट साइन किया जाता है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, तो हम एक वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉअर, देन ड्रॉई होगा, एक पे होगा, ड्यू डेट होगी, ग्रेस पीरियड होगा और मेच्योरिटी डेट होगी। तो जो पर्सन बिल को ड्रॉ करता है उसको ड्रॉअर बोला जाता है, द पर्सन हु मेक्स अ बिल। जो पर्सन बिल को बनाता है उसको ड्रॉअर बोला जाता है। ड्रॉई, द पर्सन हुम बिल इज ड्रॉन। जिस पर्सन के ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है उसको ड्रॉई बोलते हैं। जैसे राम ने सेल की है शाम को, शाम से पैसे लेने हैं, तो शाम ड्रॉई हो गया और राम ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट टर्म है पे, द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेबल। तो जिसको हमने पैसे पे करने हैं और हुज नेम इज ऑन, नेम इज रिटर्न ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट पे, बिल पे जिसका नेम लिखा होगा उसको पे बोला जाता है, जिसको पैसे पे किए जाएंगे अल्टीमेटली। नेक्स्ट है ड्यू डेट। ड्यू डेट है द डेट ऑन विच द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट। जिस दिन बिल आपका ड्यू हो गया, आपने पेमेंट करनी है, तो 3 मंथ्स के लिए किया है उसने राम ने शाम को, तो शाम को आफ्टर 3 मंथ्स पैसे पे करने पड़ेंगे। उस थर्ड मंथ को हम बोलेंगे ड्यू डेट, वो अराइज हो गई है। एक होता है ग्रेस पीरियड। ये 3 डेज का जो पीरियड है वो एक्स्ट्रा दिया जाता है। जैसे 3 मंथ्स हो गए प्लस हमने 3 डेज को ऐड करना है, फिर उसको डेट हमें निकालनी है, तो उसको डेट ऑफ मेच्योरिटी बोला जाता है। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी, डेट आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड टू द ड्यू डेट। जो ड्यू डेट है आपने उसमें 3 डेज को और ऐड करना है, तब आपकी जो है डेट ऑफ मेच्योरिटी निकल जाएगी। जैसे हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही विल राम सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन 1st January 2021। फॉर 10,000 राम ड्रॉन बिल अपॉन हिम फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए बिल जो है वो ड्रॉ किया गया है। तो हमने फाइंड करनी है, इसके में आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा फाइंड डेट ऑफ मेच्योरिटी। मेच्योरिटी पीरियड आपको निकालने के लिए बोला होगा। तो हमने कैसे निकालना है? स्टार्टिंग विद 1st Jan, 1st January 2020 को हमारा जो है स्टार्टिंग पीरियड, उस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, 3 मंथ्स के लिए हुआ है, तो हमने 3 मंथ्स आगे जाना है। 1st Feb, मार्च एंड अप्रैल, ये हमारा 1st month, 2nd and 3 months ये हो गए। ये हमारी 1st April आ गई है ड्यू डेट। अब हमने इसमें ऐड करना है ग्रेस पीरियड। तो जो ग्रेस पीरियड है दैट इज ऑफ 3 डेज, तो हम इसमें 3 डेज को ऐड करेंगे। तो 3 + 1, 4th April, तो 4th April हमारी आ जाएगी डेट ऑफ मेच्योरिटी। इसमें आपको डेट ऑफ मेच्योरिटी निकालने के बाद जर्नल एंट्रीज करनी होती है। तो इसका जर्नल कैसे करना होता है? तो स्टार्टिंग विथ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, हमने पहले एंट्री डाली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर।
जो पर्सन बिल को ड्रॉ कर रहा है। तो इसका हम पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यूम, डेबिट एंड क्रेडिट। तो फर्स्ट आपने एंट्री डालनी है सेल की, तो ड्रॉअर ने बिल ड्रॉ करना है ड्रॉई के ऊपर, तो आएगी फर्स्ट एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सबसे पहले आपने सेल की एंट्री डालनी है, देन सेकेंड एंट्री। सेल होने के बाद बिल ड्रॉ होगा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल बनेगा वो, हमारे लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। तो सेकेंड एंट्री में बिल ड्रॉ हो जाएगा, तो इसकी नरेशन बनेगी बीइंग बिल ड्रॉन। सेल होने के बाद ड्रॉअर जो है बिल ड्रॉ कर देगा ड्रॉई के ऊपर। थर्ड है ऑन मैच्योरिटी पे, जब ड्रॉई पैसे पे कर देगा तो कैश इन हो जाएगा ड्रॉअर के लिए, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देन इसकी नरेशन बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट पे उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ड्रॉअर के बुक्स में तीन एंट्रीज होगी, जैसे इसमें राम ने सेल की है गुड्स शाम को, तो राम कौन है इसमें, राम ड्रॉअर है। तो राम के बुक्स में तीन एंट्रीज होगी। फिर ऐसे ड्रॉय की बुक्स, इसमें जैसे शाम पे बिल ड्रॉ किया गया, शाम ड्रॉय था, ऐसे ड्रॉय भी अपनी बुक्स मेंटेन करेगा। सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉय, फिर आपने जर्नल का दोबारा से फॉर्मेट ड्रॉ करना है। अगेन फर्स्ट एंट्री, ड्रॉयर ने वो गुड्स को सेल किया है और ड्रॉई ने परचेज किया है, तो एंट्री आएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट, ड्रॉअर को पैसे पे करने बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो ये अमाउंट आप यहाँ पे डाल दोगे। सो ड्रॉई ने सबसे पहले गुड्स को परचेज किया, देन ड्रॉई के ड्रॉअर के बुक्स में आई एंट्री बिल ड्रॉ हुआ, ड्रॉई के बुक में आएगी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, यू एक्सेप्टेंस देगा बिल के लिए। सेकेंड एंट्री आएगी ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो जो ड्रॉई है वो पैसे पे करने के लिए रेडी हो गया है, उसके लिए बिल्स पेएबल बन जाएगा बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। तो ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस दे दी है कि वो ड्यू डेट को पैसे पे कर देगा, और जब ड्यू डेट आएगी तब इसने पेमेंट करनी है, तो इसके लिए थर्ड एंट्री बन जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड नरेशन बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को जो है ड्रॉई है उसने वो पैसे जो पे कर दिए हैं। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल में पहले आपको ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी, फिर आपने दोनों की बुक्स में एंट्रीज डालनी है। थ्री एंट्रीज ड्रॉअर की बुक्स में पड़ेंगी और थ्री ही एंट्रीज ड्रॉइस की बुक्स में पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। थैंक यू।